यही शिकायत है कि जो भी राजनेता जो जिस भी फील्ड में उतरते हैं वो उनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते। मुझे लोगों की समस्या भली भांति पता है, लोगों को क्या क्या समस्या आती है। सबसे पहले मैं यही करूँगी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको मैंने डोर टू डोर जाके सुना, मैं सब सारी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी कि जो कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो फौज में जाए, लोगों की मांग रखे। नमस्कार, मैं सांची वार्ड नंबर 6 और मैं हूँ आज कांग्रेस की उम्मीदवार ममता गिरी के साथ। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छे हैं आप। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, अर्थ प्रकाश न्यूज़ का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप अपने विचार आप सभी के सामने रख सकूँ। तो मैम आपको चुनाव को लेकर कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ें आपने समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी है? इससे पहले मेरे पिताजी हैं जो रामेश्वर गिरी वो राजनेता हैं, मैं मेरे को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अब मुझे उतर के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लोगों से बहुत एफर्ट मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये कदम उठाया कि मैं राजनेता बनूँ। हाँ। तो आपको कैंपेन के दौरान क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई हैं लोगों की जो आपने देखी हैं? लोगों को यही शिकायत है कि जो भी राजनेता जो जिस भी फील्ड में उतरते हैं वो उनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते। जब उन्हें काम उनका काम होता है तो वो कहते हैं कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बाद में वो अपने वादे भूल जाते हैं। उसी के कारण मुझे बहुत से लोगों का रोष भी लोगों ने अपना रोष प्रकट किया जो मुझे सामना करना पड़ा, लोगों ने मेरे मुँह पर दरवाजे भी डाले क्योंकि उनकी जो गलतियाँ होती हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। पर बहुत मुझे बहुत अच्छा एफर्ट मिल रहा है कि लोग बहुत खुश हैं कि कोई युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरी उतरेगी। तो मतलब आपको क्या लगता है, मतलब लोगों को क्या चीज़ें समस्या एक दो जो आपके हिसाब से फेस करनी पड़ी है जो आप उनकी लिए हेल्प करेंगी? सबसे पहले तो उन्हें पार्किंग की समस्या है। आजकल आप सभी जानते हैं कि सबके घर फोर व्हीलर हैं तो उसके लिए उन्हें पार्किंग चाहिए। लोग रात को उनकी शीशे तोड़ जाते हैं, लाइटें निकालने के लिए चले जाते हैं, जो उनके घर के सामने जो पार्क है उनकी भी कोई साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं की हुई। रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट डॉग एंड स्ट्रीट का वो ऐसे घूमते हैं, उनके बच्चों को उनसे खतरा है, वो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। और वुमेंस की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो कहें हम रात को यहाँ पे अगर शहर करना भी चाहें वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि कोई सिक्योरिटी उन्होंने किया नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं यही करूंगी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको मैंने डोर टू डोर जाके सुना, मैं सब सारी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भी एमसी के अंडर आता होगा वो सारा मैं पूरा सॉल्व करूंगी। तो मैम आप अपने दर्शकों को क्या मतलब क्या अपील देना चाहती हैं? मैं यही अपील देना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक मौका दिया कि मैं आगे वो होके उनका काम कर सकूँ। पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देती हूँ और फिर मैं अपने सभी से दर्शकों से यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत में जिताएं और मुझे वोट दें। धन्यवाद मैम। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।